फरुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे रोड पर सरस्वती भवन के ठीक सामने से नाली की पैमाइश आगे पीछे करके की जा रही है, जिससे व्यापारी छिन के रेलवे रोड में निवासी व्यापारी शिखर गुप्ता का लीलावती मार्केट है। शिखर ने रविवार को दोपहर एक वीडियो बनाया जिसमें नगर पालिका आयू और उनके ठेकेदार आदि पर गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद उसने अपने बाइक से पेट्रोल निकाल करके अपने ऊपर डाल दिया। वह आग लगाने ही जा रहा था कि परिजनों की नज़र उस पर पड़ गई और उसे उन्होंने पकड़ लिया। नगर पालिका के कार्य आक्रोश से शिखर ने परिजनों के मुख्य मार्ग पर जाम लगाने का प्रयास किया। शिखर का आरोप है कि जब उसने फोन पर पालिका आयू रविंद्र कुमार से फोन पर नाले निर्माण ठीक न होने की शिकायत की तो ईओ ने जेल भेजने की धमकी दे दी, जिससे आहत होकर शिखर से पेट्रोल डाल करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। क्या नाम है आपका? शिखर गुप्ता। क्या मामला है आपका? मामला साहब ये है कि जो ये सिटी मजिस्ट्रेट निशान लगा रही थी, मैंने उस पर दो फुट जगह अपनी छोड़ दी थी, अपनी भवन का निर्माण कर लिया और ये जो हमारे पड़ोस में है इनका पिलर सड़क के दो फुट आगे है। जब मैंने उनसे सिटी साहब से शिकायत करी तो उन्होंने कहा ठीक है, वो उनका आगे रहेगा पिलर। मैंने कहा साहब मेरी आड़ होती है, मैंने तो मानक के अनुसार काम कराया है, मानक के अनुसार काम कराने से तो हमें नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो उनसे कहा जाएगा। जब उन्होंने पिलर पीछे नहीं किया तो उन्होंने कहा नाली का निर्माण इनके पिलर के पीछे से होगा। हमने कहा साहब ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, निर्माण तो ऐसे ही होगा। तो उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पर नाली निर्माण शुरू कराया तो जो मेरी वैध जगह है उसमें से उन्होंने दो फुट पीछे मेरी जगह ले ली। मैंने कहा सर ये तो मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, जो पहले आपने मेरे दो फुट की आड़ छोड़ दी, फिर जो मेरे लिए दो फुट की जगह मेरे चबूतरे के लिए मैंने अपने लिए छोड़ी थी वो भी आपने नाली में जोड़ ली। आपके सामने है सर, ये देखिए यहाँ तक नाली सीधी आई है और नाली यहाँ से आके पहली बार ये नाली ऐसी घूम के अंदर जा रही है। उन्होंने कहा निर्माण ऐसे ही होगा, तुमको जो कुछ करना करो और ज्यादा कलाकारी करोगे सरकारी काम है, तुम्हारी बाधा की रिपोर्ट करा के पर मैं बंद करा दूंगा, चक्कर लगाते रहोगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक। किसने धमकी दी है? ईओ साहब ने। तो आज आपने क्या किया इसके विरोध में? सर मैंने ईओ साहब से बात करी, उन्होंने कहा मैं जेई साहब से बोल रहा हूँ, जेई साहब को फोन किया, उन्होंने कहा मैं इटावा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने तीन बार ईओ साहब को रिपोर्ट दे चुका हूँ कि ये पिलर गलत है और आपकी पैमाइश दो फुट ज्यादा ली जा रही है, मैं बार बार नहीं आ पाऊंगा। ईओ साहब ने कहा काम बंद नहीं होगा और जेई साहब जब आएंगे तब आएंगे आपके पास और आपको जो करना हो करिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी सर मेरा कारोबार ही खत्म हो जाएगा, मैं कहीं दुकान नहीं बेच दूँ। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना करो, नाली निर्माण तो यहीं से होगा, उनका पिलर छोड़ा जाएगा, नाली निर्माण अंदर से ही होगा और तुम्हारी जगह ली जाएगी। तो सर मैं हताश हो गया, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने वो पटवार डाल के मुख्यमंत्री जी को अपना संबोधन दे के कि सर मैं तो चला जाऊंगा, मेरे पीछे आप मेरे परिवार ध्यान रखना और उसके बाद जो आपको उचित लगे ऐसे अधिकारियों में कार्रवाई करिएगा और नियम संगत करा करिएगा। मैं क्या करूँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं। पटवार सर मैंने अपनी स्कूटी में से निकाला। नहीं तो क्या नगर पालिका के मतलब विरोध में आपने पेट्रोल डाल के आग लगाने प्रयास किया? क्या करें सर, आपके सामने सर मेरी जगह जो गलत जगह है, जो सिटी मजिस्ट्रेट मैडम निशान लगाया है उसको दो फुट जगह ली जा रही है, मैं क्या करूं, कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है। अगर नहीं सुनवाई तो आप क्या करेंगे आगे? सर अब देखेंगे, कोशिश करेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप आज रुक जाइए, कल जिलाधिकारी महोदय बाहर है, कल वो जिलाधिकारी महोदय आ जाएंगे, मैं उनसे बात कर लूंगा, उनको मामला संज्ञान में दे दूं। उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत गई, उन्होंने उसको फटाफट निस्तारण करा के संडे को काम शुरू करा दिया। मैंने उनसे कहा भी जिलाधिकारी महोदय आज बाहर है, वो आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करके आप जैसे बताएंगे वैसे कर दूंगा। उन्होंने नहीं, नाली आज ही निकलेगी, आपको जो करना हो करिए। सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। हाँ सर मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी से अपील करी है कि सर मेरे पास तो कोई रास्ता बचा नहीं है, निराश हो गया, मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, मेरे बाद मेरे परिवार ध्यान रखिएगा। और देखिए सर कि आपके राज्य में जिसमें कि सबको सुशासन की बात होती है, आप देखिए सर कैसे क्या कार्य हो रहा है। तो नगर पालिका भेदभाव कर रही है? बिल्कुल सर, सामने सामने आपके सामने सर भेदभाव है, इससे अधिक भेदभाव क्या होगा।